नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में हुआ बड़ा हादसा, तेज रफ्तार टोटो की पलटने से एक मासूम की हुई मौके पर मौत, आक्रोशित हुए ग्रामीण। जदयू प्रदेश अध्यक्ष और उद्योग मंत्री पहुंचे भागलपुर, कहा महागठबंधन की विशाल सभा से भाजपा की निकल जाएगी हवा। डीटीओ की पोस्टिंग नहीं होने से जिला परिवहन विभाग का काम हुआ ठप, वाहनों के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस नहीं बनने से लोग हो रहे हैं परेशान। कन्या उत्थान योजना का विश्वविद्यालय की छात्राओं को नहीं मिल रहा है लाभ, परीक्षा नियंत्रक ने कहा सरकार से पैसे निकलवाना मुश्किल काम। और सुल्तानगंज में दिखा कलयुग का श्रवण कुमार। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत माछीपुर गहरोतिया के समीप तेज रफ्तार टोटो के पलट जाने से उसकी चपेट में आकर एक 9 वर्षीय बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक बच्चे की पहचान मोहम्मद मुजम्मिल के 9 वर्षीय पुत्र अब्दुल रहमान के रूप में हुई है, जो चकदरिया लोदीपुर का रहने वाला था। वहीं इस घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुख्य सड़क मार्ग जाम कर दिया, जिससे आवागमन घंटों बाधित हो गया। जबकि जाम के कारण करीब 5 किलोमीटर तक वाहनों की कतार लग गई और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इधर घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए लोगों को समझा बुझा कर जाम हटवाया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में आगामी 25 फरवरी को होने वाली महागठबंधन के विशाल आम सभा की तैयारियों को लेकर मंगलवार को भागलपुर में जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समित महासेठ की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में रैली को सफल बनाने के लिए दोनों नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति पर चर्चा की, जिसमें केंद्र सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने और जनता के बीच मोदी सरकार का सच सामने लाने की बात कही गई। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पूर्णिया की रैली ऐतिहासिक होगी, आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी इसका साफ असर दिखाई देगा। हम लोग गांधी के अनुयायी हैं, गोडसे के अनुयायी नहीं है। ये लड़ाई महंगाई के विरोध में है, ये संविधान को जो परिवर्तित करने की साजिश है उसके विरोध में है, और 80 करोड़ जो देश की आबादी है, जिसमें 140 करोड़ में 80 करोड़ को जो 5 किलो अनाज दे रहे हैं, उसे पूर्णतः उसे संसाधन युक्त बना करके स्थापित करने का था। जो ये 5 किलो दे करके मूर्ख बना रहे हैं, उसकी लड़ाई और 80 करोड़ का जो एसेट्स आप तौर पर जोड़िएगा, वो केवल भारतवर्ष के ऐसे टाइम में इनके नेतृत्व में, अभी के सरकार के नेतृत्व में केवल 100 उद्योगपतियों का जो एसेट्स जोड़िएगा तो ये बराबर हो जाएगा। उसकी लड़ाई के लिए लोग सामने आएंगे, और 25 तारीख की जो तैयारी है वो तो भागलपुर में हम लोग इसी के लिए आए हैं कि पूर्व से जो हमारा स्थापित था कि हम लोग भी जितना पहले उनका था संख्या, उसे चौगुना संख्या में हमारे लोग आएंगे। भागलपुर में जिला परिवहन पदाधिकारी की पोस्टिंग नहीं होने से जिला परिवहन कार्यालय में ज्यादातर काम ठप पड़ा हुआ है और आम लोगों को उससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डीटीओ के नहीं रहने से एक तरफ जहां नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन बंद है, वहीं कार्यालय में लाइसेंस सहित अन्य कार्य भी प्रभावित है। इसको लेकर लोगों का कहना है कि जो गाड़ी खरीद रहे हैं उन्हें कागजी प्रक्रिया और लाइसेंस समेत कई तरह की परेशानियों के कारण नई गाड़ी को घर पर खड़ा रखना पड़ रहा है, जबकि रजिस्ट्रेशन के बिना सड़क पर गाड़ी निकालना उन लोगों को भारी पड़ सकता है। बता दें कि विगत 17 नवंबर 2022 को तत्कालीन डीटीओ फिरोज अख्तर का ट्रांसफर होने के बाद से विभाग द्वारा अभी तक जिले में डीटीओ की पोस्टिंग नहीं की गई है, जिसके कारण आम लोगों को जरूरी कार्यों के लिए कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है। हालांकि इसको लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन का कहना है कि जल्द ही भागलपुर में डीटीओ के पद का पदभार किसी अधिकारी को दिया जाएगा, जबकि विभाग द्वारा पोस्टिंग की भी संभावना डीएम ने व्यक्त की है। यह लाइसेंस मेरा बनवाने के लिए दिया। कब अप्लाई किए? 2021 में। क्या हुआ इतना दिन से? इतना दिन से ये बता रहे हैं क्या कि आज डीओ साहब नहीं आए हैं, तो परब का त्यौहार का बंद है, ऐसा है वैसा है, बहुत तरह का एकदम से बात बोल बोल के जो कि टाइम वेस्ट मेरा कर रहे हैं। कम से कम 2 साल से घूम रहा हूँ यहीं पे। विगत 17 नवंबर 2022 से जो है जिला परिवहन पदाधिकारी
फिरोज अख्तर का भागलपुर से ट्रांसफ़र हो गया लोक जन शिकायत पदाधिकारी कटिहार में। उसके जो है वो प्रभार में अपर अनुमंडल पदाधिकारी अनु कुमारी को प्रभार मिला, लेकिन अभी तक उनको परिवहन विभाग से कोई आदेश नहीं आया काम करने का, कोई सिग्नेचर का, आईडी का। विभाग में बात हुई है और बहुत जल्दी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं या तो किसी नए पदाधिकारी की पदस्थापना हो जाए या जिले के किसी पदाधिकारी को जो है प्रभार मिल जाए। उम्मीद कर रहे हैं कि एक सप्ताह में या दो चार दिन में कुछ जो है इसमें हो जाना चाहिए, इसमें विभाग इसको देख रहा है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक अरुण कुमार अपने बयानों को लेकर इन दिनों काफी चर्चा में हैं। दरअसल परीक्षा नियंत्रक ने अपने बयान में किसी भी योजना के लिए सरकार से पैसा निकलवाने को काफी मुश्किल काम बताया है। एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं और बेटियों के लिए कई योजनाओं का लाभ देने की बात कर रहे हैं और इससे जुड़े कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर टीएमयू में छात्राओं को स्वावलंबी और सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के लिए बार बार चक्कर लगाना सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। वहीं इसको लेकर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की परीक्षा नियंत्रक अरुण कुमार सिंह ने छात्राओं को साफ तौर पर यह कह दिया कि सरकार से पैसे लेना इतना आसान नहीं है। इधर मंगलवार को जब प्रोत्साहन राशि देने की मांग को लेकर छात्राएं विश्वविद्यालय पहुंची तो विश्वविद्यालय में कुलपति, प्रतिकुलपति और रजिस्ट्रार से उन सभी की मुलाकात नहीं हुई, जिसके कारण अब छात्राओं का कहना है कि वो अपनी फरियाद आखिर किससे सुनाए, क्योंकि परीक्षा नियंत्रक ने तो इस मामले में अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। वहीं इस मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आशुतोष तोमर ने कहा कि विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे पदाधिकारी के द्वारा इस तरह की टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। साथ ही कहा कि ऐसी टिप्पणी करने वाले पदाधिकारी को भी सरकार से ही वेतन मिलता है। इसके अलावा विद्यार्थी परिषद के कुणाल पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने भागलपुर दौरे के समाधान यात्रा पर भागलपुर तिलका मांझी विश्वविद्यालय भी आना चाहिए था, जिससे उन्हें यहाँ की वास्तविक स्थिति का पता चल सके। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री कन्या योजना भागलपुर में पूर्ण रूपेण उदासीन दिख रही है और यहाँ के पदाधिकारी भी इस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। आप सुने क्या बोले? इतना गर्म होकर होकर बात कर रहे हैं, दूसरों के बात नहीं कर रहे हैं। आप सुने जी, हम जो बोले से सुने वही समझ जाइए। इतना उग्र होकर क्यों बात? कहाँ उग्र है, हम तनिको उग्र नहीं है, मैं जरा सा उग्र नहीं हूँ। आपने जो बच्चे आए जी जी वो सवाल किए, उसका जवाब मिला, फिर इसके जो अधिकारी है बात करेंगे, क्यों नहीं मिल रहा है, काहे मिलेगा, किसे मिलेगा। सरकार का पैसा लेना बहुत कठिन है। आए सरकार से पैसा आसान से थोड़ा दे दे, जो सारा जो कहा नियम कानून वो देखेगा तब न देगा। भागलपुर के सुल्तानगंज में एक बार फिर से कलयुग का श्रवण देखने को मिला है। दरअसल सुल्तानगंज के वार्ड नंबर 25 के रहने वाले 105 वर्षीय वैश्यनाथ मंडल के पुत्रों के द्वारा उन्हें सहरसा स्थित कात्यायनी स्थान का दर्शन कराने के लिए ले जाया जा रहा है, जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि सुल्तानगंज वार्ड 25 टीका रामपुर निवासी वैश्यनाथ मंडल अपने पुत्रों के साथ रहते हैं और वे चलने में असमर्थ हैं, जबकि पिता की इच्छा को देखते हुए उनके पुत्रों द्वारा पिता को माँ कात्यायनी के दर्शन कराने का निर्णय लिया गया। इसको लेकर वैश्यनाथ मंडल के पुत्र आनंदी मंडल ने बताया कि वे 5 भाई हैं, जिसमें से 4 भाई मिलकर अपनी पत्नी के साथ वंगी रूपी कांवर कंधे पर लेकर पिता के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। उन्होंने बताया कि पहले उन लोगों ने उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर बाबा वैश्यनाथ को जलार्पण किया, जिसके बाद सहरसा स्थित माँ कात्यायनी के दर्शन के लिए निकल पड़े हैं। आनंदी मंडल ने बताया कि उनका एक भाई राजेश कुमार आर्मी में होने के कारण देश की सेवा कर रहे हैं, जबकि उनके भाई नंदकिशोर मंडल, छोटे लाल मंडल, किशोर मंडल के अलावा चारों की पत्नी भी पिता को लेकर इस कांवर यात्रा में शामिल है। सीतारामपुर से टीकारामपुर से कहाँ लेके जा रहे हैं? मायजी थान जा रहे हैं। कौन है ये आप? मेरा पिता। यानी दर्शन करवाने मायजी थान लेके जा रहे हैं, क्या चलने में असमर्थ है? और यानी अपना 105 बरस मेरा पापा का उम्र हो रहा है। अच्छा, ये हम लोग जो है ना। अच्छा, तो कहां से हम अपने पिताजी के माई कताने थान है, सहरसा पड़ता है जी। हाँ, तो वहीं जाएंगे और वहीं मंदिर से फिर लौटेंगे। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक एम्प्लाइज और ऑफिसर्स फेडरेशन के आह्वान पर बैंक के कर्मचारियों द्वारा भागलपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यालय के समक्ष अपनी मांगों के समर्थन में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया।
इसको लेकर धरना दे रहे बैंक कर्मियों का कहना है कि क्षेत्रीय अधिकारी के तानाशाह एवं मनमाने तरीके से उन लोगों का स्थानांतरण कर दिया गया है, जो गलत है। इस दौरान दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक एम्प्लाइज और ऑफिसर्स फेडरेशन के पदाधिकारी और सदस्यों ने अपने ही क्षेत्रीय अधिकारी पर मनमानी का आरोप लगाया और गलत तरीके से स्थानांतरण का जमकर विरोध किया। वहीं दूसरी ओर शहर के एक होटल में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष और क्षेत्रीय अधिकारियों के विकास बैंक मित्रों के साथ अहम बैठक की गई, जिसमें विकास मित्रों को जहां दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के ऋण संबंधी रिकवरी के साथ साथ आम लोगों से जुड़े कई कल्याणकारी योजना के बारे में जानकारी दी गई। हालांकि बैठक के दौरान जब बैंक कर्मियों द्वारा दिए जा रहे धरना के बारे में सवाल किया गया तो बैंक के अध्यक्ष ने इसे अनभिज्ञता जाहिर करते हुए किसी तरह के आंदोलन या मनमानी की बात को सिरे से खारिज कर दिया। ये दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय भागलपुर के समक्ष हमारे संगठन DBGBEF और DBGBOF के द्वारा यहाँ धरना दिया जा रहा है। इसमें दिसंबर माह में हमने क्षेत्रीय अधिकारी को एक पत्र लिखा था, जिसमें हमने यहाँ के HRD प्रबंधक पे हम लोगों ने एक संगठन विशेष के एजेंट के रूप में कार्य करने का आरोप लगाया था और उसमें गलत मंशा से कुछ स्थानांतरण होगा ऐसा हमने उसमें उनको बताया था, लेकिन इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। और पिछले 17 फरवरी को हमारे संगठन को मतलब एकदम उसको टारगेट पे लेते हुए हमारे संगठन के लोगों का ट्रांसफ़र किया गया है, जिसमें आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि एक महिला है जो कि 6 महीने की प्रेग्नेंट है और उसको जो है यहाँ से बहुत दूर भेज दिया गया है। फरवरी माह में हमारे चेयरमैन साहब का ये कहना है कि संजीवनी कैंपेन चल रहा है और बैंक को अच्छे से अच्छे स्थिति में लेकर के आना है, लेकिन आप ये देखिए कि इस समय में फरवरी माह में इस तरह से क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा यहाँ ट्रांसफ़र किया गया है जो कि एकदम अमानवीय है और हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। भागलपुर समीक्षा भवन में मंगलवार को जीवनाक सांख्यिकी से संबद्ध पदाधिकारियों के क्षमता वर्धन के लिए जिला स्तरीय एक दिवसीय प्रशिक्षण से बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने की। इस दौरान जिला सांख्यिकी पदाधिकारी से अपर जिला रजिस्ट्रार, सिविल सर्जन और स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों ने प्रशिक्षण में हिस्सा लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कर्मियों को जीवन मृत्यु प्रमाण पत्र सहित अन्य कार्यों से जुड़ी बातों की जानकारी दी गई। वहीं किसी भी तरह के प्रमाण पत्र में कोई त्रुटि नहीं रहे इसको लेकर भी अहम जानकारी देते हुए गलतियों में सुधार करने की बात कही गई। साथ ही प्रशिक्षण में कार्य के दौरान आने वाली कई तरह की परेशानियों को दूर करने और लोगों की समस्याओं का समाधान के बारे में भी बताया गया। MLC विजय कुमार सिंह शिवरात्रि को लेकर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने देवधाम मंदिर पहुंचे, जहां MLC ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन फीता काट कर किया। इस दौरान पंचायत के मुख्य प्रतिनिधि ने MLC विजय कुमार सिंह का स्वागत अंगवस्त्र एवं फूल माला से किया। वहीं कार्यक्रम में मुंगेर के तारापुर से आए म्यूजिकल ग्रुप के द्वारा एक से बढ़कर एक भक्ति गीतों पर कार्यक्रम पेश किया गया, जिसका आनंद लेते हुए लोग भक्ति गानों पर झूमते दिखे। मौके पर मुखिया पूनम देवी, गुड्डू कुमार सिंह, मंजय कुमार सिंह, जदयू के युवा अध्यक्ष राजेश कुमार सहित कई जदयू कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत सनहोली पंचायत के महाकाल स्टेडियम भड़ोखर में 2 दिवसीय सर्किल टूर्नामेंट का आयोजन स्टार युवा क्लब भड़ोखर की ओर से किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के जिला परिषद सदस्य शिव कुमार, मुखिया मरकूब और सरपंच विनोद यादव ने संयुक्त रूप से फीता काट कर टूर्नामेंट के फाइनल मैच का शुभारंभ किया। वहीं प्रतियोगिता का फाइनल मैच तरडीहा और महाकाल 11 के बीच फाइनल मैच खेला गया, जिसमें टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने उतरी तरडीहा की टीम ने 8 ओवर में 64 रन का स्कोर खड़ा किया, जबकि इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरी महाकाल 11 की टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 7वें ओवर में ही जीत के लिए मेरे लक्ष्य को प्राप्त कर खिताब पर कब्जा जमा लिया। वहीं इसके बाद विजेता टीम महाकाल 11 और विजेता तरडीहा की टीम को कैप्टन को मुख्य अतिथि के द्वारा विनर और रनर अप की ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में हुआ बड़ा हादसा, तेज रफ्तार टोटो की पलटने से एक मासूम की हुई मौके पर मौत, आक्रोशित हुए ग्रामीण। जदयू प्रदेश अध्यक्ष और उद्योग मंत्री पहुंचे भागलपुर, कहा महागठबंधन की विशाल सभा से भाजपा की निकल जाएगी हवा। DTO की पोस्टिंग नहीं होने से जिला परिवहन विभाग का काम हुआ ठप, वाहनों के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस नहीं बनने से लोग हो रहे हैं परेशान। कन्या उत्थान योजना का विश्वविद्यालय की छात्राओं को नहीं मिल रहा है लाभ, परीक्षा नियंत्रक ने कहा सरकार से पैसे निकलवाना मुश्किल काम।
और सुल्तानगंज में दिखा कलयुग का श्रवण कुमार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।